हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नया ब्लॉग एक नए दिन के साथ। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है मेरे घर से। देखिए, आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है, पीछे फॉग ही फॉग लगा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई है। ये देखो, लगता है एक आध दिनों में बर्फ़ पड़ती है। अब आपको छत में जाके दिखाता हूँ मौसम कैसा हो रहा है। आज काफ़ी ठंडा है और दिनों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज। देखो, पूरा धुंध ही धुंध हो रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो हमारा खाना भी बन गया है, तो अब मैं ज़रा खाना खा लेता हूँ। तो खाने में है हमारी दाल हो गई और सब्जी हो गई, चावल हो गए और सलाद हो गया, सैलेड। आज मौसम भी ठंडा है तो खाना भी सही है आज। देखो, रूम की हालत वैसी की वैसी है, किसी ने साफ भी नहीं किया है। अब ज़रा मैं साफ करता हूँ, ज़रा रूम साफ करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। फाइनली हमारा सफाई अभियान का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। मैंने अपने कमरे की साफ़ सफाई कर ली है बढ़िया से। पानी कह गया इन्होंने कमरे की साफ़ सफाई नहीं की इसने। कोई बात नहीं, अब मैंने कर ली है। तो ये देखिए, जरा बुआ लोगों के यहाँ से मैं फूल के बीज लाया था, तो ये इस टाइप के बीज थे, तो अभी लगाऊंगा इनको थोड़ी देर में। मैंने उतार लिए हैं सारे इनमें से, मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं, अब इनको लगाता हूँ। तो इन बीजों को लगा रहा हूँ मैं एक ग्रोइंग बैग में, उसमें सही रहते हैं। मैंने बीज लगा दिए हैं, तो अब कुछ और काम करते हैं। आज तो मौसम भी ऐसे ही ख़राब हो रहा है, तो मैंने आज ज़रा कपड़े भी धोने हैं, तो अभी धोता हूँ। ज़रा पानी वानी गर्म हो रहा है, तो फिर कपड़े भी धोता हूँ। कपड़े देखो, अरे कपड़े धोता हूँ थोड़ी देर में, ज़रा इनको भिगाता हूँ पहले सर्फ के पानी में। धोते हैं कपड़े।
तो मैंने कपड़े और जूते भिगाने के लिए डाल दिए हैं अभी, अब इनको थोड़ी देर में धोता हूँ मैं। आज मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, मौसम देखो पीछे कोहरा ही लगा है अभी तक, लेकिन थोड़ा थोड़ा धूप भी आ रही है, तो अब धो देता हूँ मैं। अब एक आध दिन मैंने बागेश्वर को भी जाना है, तो अब टाइम से धो लेता हूँ अभी, फिर क्या पता कल परसों में बारिश हो जाए, तो कोई भरोसा नहीं है मौसम का। यहाँ पर बन रहा है भैंस के लिए खाना बन रहा है, इसमें कद्दू है और जो हमारा चावल बच जाता है और जो भी वो बचा खुचा आइटम होता है सब इसमें डाल के इसको पका के फिर भैंस को दिया जाता है। मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए हैं, अभी इनको ज़रा इनका पानी पूरा निकलने देता हूँ, फिर उसके बाद इनको धूप में डालूँगा। देखो ज़रा धूप भी आ गई है थोड़ा बहुत, तो अभी एसी में ही डाल देता हूँ, कल परसों तक सूख ही जाएंगे। तो देखिए धूप भी निकल चुकी है, अब कपड़े डालता हूँ मैं अपने। तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए, तो आज की वीडियो इतना ही, आज की वीडियो इतनी रखते हैं, आपको मिलेंगे और अगले दिन किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।